कांग्रेस को मिली नई अध्यक्ष, जश्न में डूबे कांग्रेसी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मचे विवाद के बीच कांग्रेस ने बड़ा दाव लगाया है। उसने प्रदेश महिला मोर्चा की कमान ओबीसी नेता विभा पटेल को सौंप दी है। भोपाल की पहली महिला पूर्व महापौर विभा पटेल को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एमपी महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभा पटेल ओबीसी वर्ग की नेता हैं। अपने समाज में उनकी पकड़ के कारण कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। विभा पटेल भोपाल की पहली महिला महापौर रही हैं और लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं। उनकी राजनीतिक पकड़ भी अच्छी है। पार्टी में प्रवक्ता के साथ वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जन जागरण अभियान की भी सह प्रभारी है। ऐसे में विभा पटेल को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग की विभा पटेल के चेहरे के सहारे कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले अर्चना जायसवाल महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, लेकिन अर्चना जायसवाल की कार्यकारिणी को लेकर मचे बवाल के बाद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी ने एमपी महिला कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एमपी में महिला कांग्रेस कमेटी की चार उपाध्यक्ष नूरी खान, कविता पांडे, रश्मि पवार को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। अर्चना जायसवाल की कार्यकारिणी को लेकर इंदौर, उज्जैन से लेकर ग्वालियर तक विरोध के स्वर उभर कर सामने आए थे। इसी वजह से पार्टी ने महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भंग कर दी थी। लेकिन अब विभा पटेल को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने विरोध के स्वर थामने के साथ ही ओबीसी वोट बैंक भी साधने की कोशिश की है। इससे पहले महिला कांग्रेस कमेटी में अलग अलग चार उपाध्यक्ष पहले से नियुक्त थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल के सामने चुनौती बड़ी होगी। देखना यह होगा कि विभा पटेल विवादों से बचने के लिए नई कार्यकारिणी कैसे बनाती है और कैसे क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातिगत संतुलन को साथ पाती है।